विनोद खन्ना के फ्यूनरल में नहीं पहुंचे तो कहां थे ये स्टार्स। गुरुवार को 70 साल की उम्र में विनोद खन्ना का निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार में अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, गुलजार सहित कई बॉलीवुड हस्तियां पहुंची, लेकिन इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय और बाकी स्टार्स फ्यूनरल में शामिल नहीं हुए। अगर फ्यूनरल में नहीं पहुंचे तो कहां थे स्टार्स, ये हमने पता लगाने की कोशिश की। सलमान खान, टाइगर जिंदा है की शूटिंग के लिए इंडिया से बाहर हैं। निधन की खबर आते ही उन्होंने ट्विटर पर विनोद खन्ना की एक फोटो पोस्ट करते हुए मैसेज लिखा, R.I.P. Vinod Khanna sir, you will really be missed। शाहरुख खान इन दिनों TED टॉक शो के सिलसिले में वैंकूवर में हैं। विनोद खन्ना के साथ उन्होंने दिलवाले 2015 में काम किया था। आमिर खान गुरुवार को चाइना में थे। शुक्रवार को सुबह ही उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर वापस लौटते हुए स्पॉट किया गया है। अक्षय कुमार फिल्म पैडमैन की शूटिंग में बिजी हैं। उन्होंने फेसबुक के जरिए विनोद खन्ना को श्रद्धांजलि दी और लिखा था, Sad to learn about the passing away of Vinod Khanna sir, one of the most charismatic actors, truly end of an era, condolences to the family। प्रियंका चोपड़ा गुरुवार को अपने ब्रांड शूट में बिजी थी। प्रियंका सिर्फ 5 दिन के लिए इंडिया आई थी, शुक्रवार को वो न्यूयॉर्क वापस जा रही हैं। ऋतिक रोशन इन्हें लेकर कोई जानकारी नहीं है। हालांकि ऋतिक को पिछले 3 से 4 सालों से किसी फ्यूनरल में नहीं देखा गया है। यहां तक कि ऋतिक अपने क्लोज फ्रेंड कुणाल कपूर के पिता के फ्यूनरल में भी नहीं पहुंचे थे। अजय देवगन इन दिनों हैदराबाद में गोलमाल अगेन की शूटिंग कर रहे हैं। करण जौहर गुरुवार को वो बाहुबली की रिलीज में बिजी थे। जब उन्हें विनोद खन्ना की डेथ की खबर मिली तो उन्होंने फिल्म का ग्रैंड प्रीमियर कैंसिल कर दिया। इसके लिए करण ने ट्वीट किया, As a mark of respect to our beloved Vinod Khanna, the entire team of Bahubali has decided to cancel the premiere tonight. Thank for watching. Subscribe now to receive new updates every day. And don't forget to drop a like, leave a comment.